वाहेगुरु तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़के तेरी धूप से दोस्तों स्वागत है आज के फ्रेश न्यू कमाल के व्लॉग में और आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं अपने गांव। देखिए गांव जाने से पहले सोचे थे कि कुछ भाइयों को वहां पे बुलाते हैं जितने हमारे वहां के फैमिली हैं जो हमसे हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उन लोगों को बुलाते हैं और उनको जो भी समस्या होगा यूट्यूब पे वीडियो कैसे डालते हैं और कुछ हमसे बात करना होगा तो उनसे बात करते हैं। फिर सोचे कि नहीं नहीं चलिए कुछ ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाता है 2-3 लाख सब्सक्राइबर हो जाएगा तब गाँव पर छोटा सा मीटअप रखेंगे, लेकिन फिलहाल हम चलते हैं गाँव और दिखाते हैं कि गाँव मेरा कैसा है और अभी क्यों जा रहे हैं गाँव। गाँव जाके आपको बताएंगे कि क्यों जा रहे हैं, लेकिन हम आपको हाँ गाँव का एड्रेस भी हम आपको बता देते हैं। आप अगर उस क्षेत्र से हुईगा तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि हाँ हम आप ही के गांव की तरफ से हैं। मेरा गांव है पताही। पताही आता है ढाका सिखपुरवा पकरी दयाल इस सब के आसपास है पताही और वहीं है मेरा गांव। दीवाने की जहां बोर सुहानी देखी एक रोज वही मेरी शाम हो कभी याद करे जो जमाना इतना नया घर। साइकिल चलाते हैं। ओ भाई साहब ब्रेक नहीं है, जाना है खेत में। चलो मेरे बसंती साइकिल। ये है हल्दी का खेती, इसके नीचे हल्दी होता है जो हम लोग नहीं खाते हैं खरीद के, हल्दी वो ऐसे ही होता है कुछ। और ये है धान का प्रोडक्शन, जो बासमती चावल खाते हैं वो रोपा गया है यहाँ पे और इंडिया गेट 100 रुपये मिलेगा। पता नहीं इंडिया गेट है कि नहीं, लेकिन हाँ ये बासमती है। कीड़ा बहुत ज़्यादा उड़ रहा है और वो है अपना खेत, वहाँ चलना है। बोले थे दौनी कर देने के लिए तो कर ही दिए होंगे। ये है पराली जिसको आग लगाने से दिल्ली में पॉल्यूशन हो जाता है। और ये है धान जिसको हम लोग खाते हैं और ये पहले खेत पर आ गए हैं। बड़ा मस्त होता है गांव का सिचुएशन। अभी बस वो हो रहा है प्रोसेस, वो जैसे घर पहुंच जाएगा सारा उसके बाद हम दूसरे खेत पे जाएंगे और जितना भी पॉसिबल हो सके आज और कल ये सब घर पहुंचाने का कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे मोतिहारी और आपके लिए आएगा एक नया वीडियो जो कि भोजपुरी पे बेस होगा, लेकिन ये सब चीज़ भी हम आपको दिखाते रहते हैं ताकि आपको भी लगे कि हाँ बंदा हर जगह का क्लिप दिखाता है। कितना सुनहरा मौसम है, आपको वीडियो देख के ही अनुमान लग रहा होगा। और ये है पूरा गांव का सिचुएशन, क्या ही मतलब मज़ेदार है। शाम बहुत ज़्यादा हो गया है और अभी हम अकेले हैं खेत में, मतलब लगभग दूरी पे आप देख सकते हैं कोई नहीं है। लेकिन ये काम भी ज़रूरी है, अगर ज़्यादा देर तक काम नहीं किया जाएगा और ज़्यादा देर तक बाहर अगर नहीं रहा जाएगा तो फिर कल पूरा दिन, परसों पूरा दिन और इसी तरह 4-5 दिन निकल जाएगा। इसलिए वर्क मोर, सही था ना इंग्लिश वर्क मोर। देखा अगर तू गांव ना जाल तो ये ब्लॉग देख के तहरा बहुत मजा आवत हुई। कहे से कि नू गांव के हम थोड़ा सीन दिखावतानी, कुछ ऐसा ऐसा चीज़ दिखावतानी नू जो शायद तू अपना गांव में जरूर रहत होब तो ये चीज़ करत होब। शायद आपको मेरा भोजपुरी समझ में आ ही रहा होगा, भोजपुरी है तो क्या नहीं आएगा समझ में। खैर अब देखते हैं कितना देर तक काम होता है, मतलब अभी रात तो हो ही जाएगा अगर, हाँ 9 तो बज ही जाएगा। फिर कल बनिया को बुला के लाना होगा, बनिया को, बनिया कहते हैं उसको जो वो गांव में वो नहीं खरीदता है धान गेहूँ जो खरीदता है वो, मतलब ये वाला चावल हम लोग खाते नहीं हैं वो मार्केट से खरीदाता है, लेकिन हाँ ये शुद्ध होता है, ये सबसे अच्छा होता है, लेकिन फिर कौन कुटवाए फटकना पड़ता है इसलिए मम्मी बोलती है हड़ाप बेच दो। एक बार मीडिया वाला पूछ रहा है कि आप इतना काफिला लेके कहे चलते हैं, तो कह रहा है कि हम काफिला लेके नहीं चलते, हम अपने घर से तीनों गाड़ी से चलते हैं, अपने रेंज रोवर सफारी आए और कोनो गाड़ी का नाम लिया फॉर्चूनर, आ 1300 गाड़ी का काफिला अपने मने हो जाता है तो हम क्या करें, हम किसी को मना थोड़ी करेंगे। सब खत्म खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। दोस्त 3 दिन यहाँ पे हो चुका है आए हुए, सब काम कंप्लीट, धान सब भी आ गया, जितना बेचना था बेच भी दिया गया। अब यहाँ से चलना सीधे घर यानी कि मोतिहारी। 3 चीज़ कॉमन है,
हनुमान जी का पूजा, चिड़िया का आवाज और मस्त ठंडा। तो ब्लॉग करते हैं एंड, फिर मिलते हैं किसी तगड़े व्लॉग में। तब तक अब आपको भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी कहानियाँ मिलेंगी।